वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल कंटिन्यू अवर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.4। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, थर्ड तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ से कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है वन प्लस टेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉज ए। और एक आपको हिंट दिया आपके एनसीईआरटी में, दैट सिंप्लीफाई एलसीएस एंड आरसीएस सेपरेटली, मतलब इन दोनों पार्ट्स को सेपरेटली सॉल्व करके हमें इक्वल दिखाना है। ठीक है, सो इट विल बी लाइक वन प्लस सेके अपॉन सेके को मैं सॉल्व करूंगा, आई गेट सम वैल्यू, और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करूंगा तो आई गेट द सेम वैल्यू। इट मीन्स बोथ आर इक्वल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। सो एल एच एस को हम सॉल्व करेंगे, सो दिस इज वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ओके, सेकेंड ऑफ ए, तो मैं sec को cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे अभी आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, बट sec a को 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, बिकॉज सेकेंड ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन cosine a। ओके, सो दिस विल बी 1 प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos। ओके, तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन cos a और होल अपॉन में 1 अपॉन कॉज। ठीक है, तो वैसे तो ये डायरेक्टली कॉज से कैंसिल हो सकता है, बट अगर आपको इसको न्यूमरेटर में भेजना तो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉज ए इंटू कॉज ए प्लस वन अपॉन कॉज। ठीक है, तो ये कॉज कैंसिल, आपको फाइनल आंसर मतलब आंसर तो नहीं, बट हाँ इसको सॉल्व करने से आ जाएगा कॉज ए प्लस वन। ठीक है, तो एल एच एस आ गया कॉज ए प्लस वन। नाउ वी विल सॉल्व राइट हैंड साइड द वैल्यू, ये जो दी हुई है साइन स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस ए। सो इन आर एच एस दिस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। ठीक है ना, सो इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं अपन, दिस इज नथिंग बट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस। ठीक है, बिकॉज आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए राइट साइड जाएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो ये सारी आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। ओके, अब इसको मैं इसमें वन माइनस कॉस स्क्वायर ए में फॉर्मूला लगा सकता हूँ, वन को वन स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज वन स्क्वायर की वैल्यू वन ही होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन वन माइनस कॉस। ठीक है, ये वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, यू विल गेट वन प्लस कॉस ए, या फिर इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस वन। ठीक है, दिस इज कॉस ए प्लस वन। सो यू कैन सी दैट एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, है ना, तो हमें जो शो करना था वो हमने शो कर दिया, दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए माइनस प्लस साइन ए माइनस वन। ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो ये फिफ्थ वाला है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज एक स्टेप है, वो स्टेप में अगर किसी भी स्टूडेंट ने गड़बड़ी की तो फिर इसका आंसर नहीं आता है। ठीक है, और इसमें दिया भी है कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, कॉस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, मतलब इस टर्म्स को कॉस एक्स स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है में कन्वर्ट करना है ना, वरना आंसर नहीं आएगा, और प्रूफ क्या करना है, कॉस एक प्लस कॉट एक। तो इस एल एच एस को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस एल एच एस को लेकर के स्टार्ट करने में ना कई सारे स्टेप हो सकते हैं। एक आपको माइंड में आएगा कि कॉस ए को वन अपॉन सेक ए कर दूं, और माइनस साइन ए को वन अपॉन कौसे के कर दें, और फिर इनका एलसीएम ले लें, बट इसके एलसीएम लेने में प्रॉब्लम क्या है कि ये सेके आ जाएगा हर जगह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और ये सेके को फिर वापस कौसे के और कॉटे में कन्वर्ट करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि नहीं होगा, है ना, तो आंसर आपका नहीं आएगा। सो बेटर है आप ऐसा कुछ करो जिससे सेक ए का जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, मतलब ये कौसे के और कॉटे बन जाए, तो कॉटे क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, और साइन
ए को एलिमिनेट करना है, और वन अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर इस पूरे टर्म को, मतलब न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को मैं साइन से डिवाइड कर दूं ना, साइन ए से। ठीक है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल हो जाएगा और वन अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय साइन ए, ना दिस विल बी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए से डिवाइड कर दिया इसको भी, और डिनोमिनेटर को भी टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। ठीक है, तो इसको व्हेन यू विल डिवाइड दिस, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या मिल जाएगा आपको, दिस विल बी कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इज वन एंड प्लस वन अपॉन साइन ए इज कॉस ए। ओके, अपॉन कॉस अपॉन साइन इज व्हाट, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने गड़बड़ी कर दी इसके बाद तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो कॉट ए, कॉट ए सेम है, और ये वन और कॉस ए के, वन और कॉस ए के भी सेम टर्म है, बस साइन का डिफरेंस है। मतलब वन प्लस कॉस ए में से अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ तो ये प्लस वन, सॉरी ये प्लस वन हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आ गया, तो ये प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ से एक माइनस बाहर आया है, तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो एक माइनस अगर मैंने बाहर ले लिया तो ये माइनस बचा, मतलब ये प्लस माइनस हो गया, तो माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, तो आप देख सकते हो अगर माइनस साइन से बाहर ले लूँ तो ये वन माइनस कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पे वन माइनस कॉस ए है ना, तो ये इस टाइप का हो जाएगा कि अगर मैं कॉट ए को ए मान लूँ और इस पूरे वन माइनस कॉस ए को बी मान लूँ, तो ये हो जाएगा वन माइनस बी और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व कर पाओगे आप ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई करके, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अलजेब्रा के टर्म्स में बता रहा हूँ, जहाँ पे हमने ए को कॉट ए समझा है, बी को वन माइनस कॉस ए समझा है, मतलब ये दिस इस पूरे टर्म की वैल्यू बी है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो देखो इस स्टेप के बाद आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसको सेम रखना है। ठीक है, मतलब जैसे अगर कॉट ए को ए एज्यूम किया तो नीचे भी कॉट ए अलग रखना है, और यहाँ पे वन माइनस कॉस ए है तो ऊपर भी वन माइनस कॉस ए चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, यू कैन राइट कॉट ए माइनस, माइनस को कॉमन ले तो जाएगा वन माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में तो है ही कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए। ठीक है, ये माइनस वन कॉमन ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस कॉस ए। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस इज ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, अब इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे यहाँ पे क्या था, मतलब कॉट ए माइनस दिस वैल्यू। ओके, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने के लिए अभी, चलो बाद में इसको रब करेंगे, अभी यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करना है, कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए अपॉन सेम चीज कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो ये हमने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि ऊपर नीचे सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से
फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता बिकॉज ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल आउट होके वन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यू कैन सी दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी कॉट ए माइनस वन माइनस कॉस एट ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू अपॉन दिस इज कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस एट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो बस अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, क्योंकि कॉट ए और कॉस एक ए के टर्म में ही वैल्यूज चल रही है, बस हमें न्यूमरेटर और डिनोमेटर से चीजों को कॉमन लेके कैंसिल आउट करना है सो दैट हमें कॉस ए के प्लस कॉट ए मिल सके। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ए ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें एक्सपैंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू इंटू ए, ए क्या है कॉट ए और बी क्या है वन माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस ए को एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको अभी रब कर लेते हैं, ओके, सो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेप को भी रब कर लेते हैं अपन, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे भी, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है आई नो, बट इसको जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये आपको अच्छे से बनेगा ये। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगेन ये वन ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा और टू कॉट ए को इसमें अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो ये हो जाएगा, तो भी रब कर देते हैं, हो जाएगा कॉट कॉट स्क्वायर ए प्लस, इसको भी हटा ही दो, हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन माइनस कॉस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दैट इज टू कॉसेक ए। ठीक है, फिर माइनस टू कॉट ए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू कॉट ए इंटू वन माइनस टू कॉट ए माइनस टू कॉट ए एंड माइनस टू कॉट ए माइनस कॉस ए के, तो प्लस टू कॉट ए कॉस ए हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस टू प्लस टू कॉट ए कॉस ए के। ओके, काफी बड़ा न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में आप कॉट स्क्वायर ए इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस टू कॉस एक ए। ओके, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस हो गया, दिस इज ऑल्सो माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, अब अगर न्यूमरेटर में आप देखो तो नाउ इफ यू विल यूज दिस आइडेंटिटी, ठीक है, दैट इज कॉसिक स्क्वायर इज इक्वल वन प्लस कॉट स्क्वायर, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर, तो देखो यहाँ वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस वन वो या वन प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बता देता हूँ आपको, ये पूरी वैल्यू दिस वैल्यू इज कॉसिक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है तो कॉसिक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा टू कॉसिक स्क्वायर ए, ठीक है, ये पूरा वैल्यू, फिर ये माइनस टू कॉसेक ए माइनस टू कॉट ए प्लस टू कॉट ए
कॉस ए के। फिर इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ कॉमन लेना है, जैसे इन दोनों में कॉस ए के है तो कॉस ए कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉट ए और यहाँ से कॉट ए कॉमन आ जाएगा। सिर्फ डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए, दिस इज कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस टू कॉसेक ए, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की अगर वैल्यू देखनी है तो देखो यहाँ पे दिया कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये कॉसेक स्क्वायर ए राइट साइड जाएगा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और ये जो वन है ये लेफ्ट साइड जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वन। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है ना। ये कॉस स्क्वायर ए कहाँ गया, राइट साइड माइनस हो गया, और ये वन कहाँ गया, लेफ्ट साइड, ये माइनस हो गया। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू माइनस वन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस टू, ओके। मतलब ये आर एडिंग निगेटिव वन एंड निगेटिव वन, मतलब माइनस वन प्लस माइनस वन है एक तरीके से, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि वन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ माइनस वन से, ओके। तो अब इसमें से देखो न्यूमरेटर में से पूरा टू कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, और डिनोमिनेटर में से भी टू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए कॉसेक, ठीक है। और डिनोमिनेटर में से देखो ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा, ये भी माइनस वन प्लस टू कॉसेक ए, ठीक है। तो आप यहाँ डायरेक्टली देख सकते हो कि माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू और प्लस टू कॉसेक ए। तो इन दोनों में से अगर मैं टू कॉमन ले लूँ, ठीक है, इन दोनों में से टू कॉमन ले लूँ तो टू बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉसेक ए माइनस वन, ठीक है, या माइनस वन कॉसेक ए, माइनस वन लिख देता हूँ, क्योंकि देखो था क्या ये या फिर नेक्स्ट स्टेप में कर दो, अगर आप लोग को लग रहा है सर डाउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस वन हो गई, ठीक है। तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, इसको लिख दो माइनस टू प्लस टू कॉसेक ए, ठीक है। अगले स्टेप में इसमें से भी टू कॉमन ले लो, ठीक है, और न्यूमरेटर में से कॉसेक ए यहाँ पे कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा टू इंटू टू इंटू कॉसेक ए कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से, तो यहाँ बचा कॉसेक ए और माइनस वन बचा, और यहाँ से प्लस कॉट ए बाहर ले लिया कॉट ए, तो यहाँ क्या बचा माइनस वन प्लस कॉस, ठीक है। डिनोमिनेटर्स में टू कॉमन ले लिया तो बचा माइनस वन प्लस कॉसेक ए, ठीक है। यहाँ पे भी कॉस ए नहीं है, ये कॉसेक ए, ठीक है, क्योंकि ऊपर कॉसेक ए कोस सेकेंड ऑफ ए, ओके। तो काफी लेंदी क्वेश्चन है, पर क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये टू टू कैंसिल हो गया, अगेन इसको अरेंज करूंगा तो देखो ये कॉसेक ए माइनस वन है, ये भी कॉसेक ए माइनस वन है, यहाँ पे भी कॉसेक ए माइनस वन है, तो अब फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि कॉसेक ए माइनस वन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जल्दी से हम कर देते हैं, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर लगभग लगभग आ चुका है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा सोल्यूशन है कि मुझे बार बार रब करके ही करना पड़ रहा है, ठीक है, बिना रब किए मैं डायरेक्ट कर नहीं पा रहा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, है ना, किसी भी स्टेप में अगर डाउट हो तो वीडियो को पॉज कर लेना और फिर कंटिन्यू करना, ओके। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, तो हम अब हमने क्या किया, इसको लिख दिया कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस वन, ठीक है, प्लस कॉट ए, ठीक है, इसको वन माइनस कॉस ए के लिखो या कॉस ए के माइनस वन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हो उसको लिख दिया कॉस ए माइनस वन,
ओके, अब इन दोनों में से न्यूमरेटर में कॉस ए के माइनस वन, कॉस ए के माइनस वन कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा कॉस ए माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय, इससे कॉस ए के माइनस वन चला गया तो बचा क्या, कॉस ए के, ठीक है, और ये प्लस साइन, ये वाला प्लस, और इससे भी कॉस ए के माइनस वन चला गया तो बचा क्या, कॉट ए, और डिनोमेटर में आपको पता है कॉस ए के माइनस वन ही है, ठीक है, ये है कॉस ए माइनस वन, ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली आपका आंसर बच गया कॉस ए प्लस कॉट ए, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, तो हेंस हमने प्रूव कर दिया कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस कॉट ए, ठीक है, तो ये सबसे लेंदी और टफ क्वेश्चन था, इसको बहुत ध्यान से सब लोग देखिएगा, है ना, और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, विच इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, और क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है लाइक अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, ठीक है ना, होल रूट है ये, तो इसको प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस टेन है, ठीक है, तो सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ करना है, इट मीन्स मैं इसको साइन ए को अगर वन अपॉन कॉज ए के लिख दूंगा, ठीक है, तो कॉज ए के प्लस वन अपॉन कॉज ए के हो जाएगा, ठीक है, तो कॉज ए के तो करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं कॉज से डिवाइड कर दूं तो वन अपॉन कॉज सेक ए हो जाएगा और साइन अपॉन कॉज टेन ए हो जाएगा, ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों में सेम चीज कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले करके सॉल्व करेंगे, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, मतलब कॉस से डिवाइड किया अपॉन वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस, ठीक है, या फिर ऐसे में बहुत स्पेस कवर कर रहा है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस, ठीक है, तो अब कॉज ए से डिवाइड करोगे तो वन अपॉन कॉज ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए अपॉन, दिस इज सेक ए माइनस टेन, ओके, अब देखो इसको सीधा सीधा अगर आपको डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करना है तो हमें इसे सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए प्लस टेन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो अगेन आप डिनोमिनेटर देख सकते हो, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला इसको अच्छे से लिख देते हैं, टेन ए दिस इज टेन ए, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में सेक ए माइनस टेन है और सेक ए प्लस टेन है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, न्यूमरेटर में ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर, तो फिर राइट साइड में सेक ए प्लस टेन है ना, तो डिनोमेटर में हम लिख देते हैं इसको ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, या फिर ठीक है, तो इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो आपको आपके आइडेंटिटी से पता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए राइट साइड जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो हमारा वन आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर तो हमारा वन आ गया, बट न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, और एक चीज हम भूल रहे हैं कि यहाँ पे रूट था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, ये रूट था, ठीक है, ये जो रूट था ये भी यहाँ पे है अभी, ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तो वन हो गया, तो अंडर रूट ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए
होल स्क्वायर अपॉन वन, ठीक है। ये आइडेंटिटी है ना, यहाँ पे 1 + 10² है, ये 10² जो है इसको राइट साइड भेजोगे, sec² माइनस 10² और यहाँ पे इक्वल्स टू 1 बचा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, और sec a + tan a का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा, क्योंकि ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा है x² का रूट क्या हो जाता है x, क्योंकि x² का मतलब क्या है x × x, और आपको तो पता है रूट के अंदर x × x क्या हो जाता है, सिर्फ बाहर x बचता है। तो वैसे यहाँ sec a + tan a × sec a + tan a, sec a + tan a बाहर आ जाएगा रूट से, हो जाएगा sec a + tan a, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू RHS, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 6 का। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज sin θ − 2 sin³θ / 2 cos³θ − cos θ को tan थीटा प्रूफ करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले तो LHS से शुरुआत कर रहे हैं, तो लिख देते हैं फ्रॉम LHS इक्वल्स टू sin θ − 2 sin³θ / 2 cos³θ − cos θ, दिस इज इक्वल टू sin θ × 1 − 2 sin²θ / दिस इज cos θ × 2 cos²θ − 1, ठीक है। ये दो वैल्यू हो गई, तो sin θ / cos θ tan θ हो जाएगा, हो जाएगा tan θ। और इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको 1 माइनस, देखो 2 sin²θ को क्या लिख सकते हैं, 2 × a है ना, एक तरीके से 2 × a, इसको a + a लिख सकते हैं, दैट इज इसको लिख सकते हैं sin²θ + sin²θ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 − sin²θ + sin²θ, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos²θ + cos²θ − 1, ठीक है। तो ये 1 − sin²θ जो है, ठीक है, 1 − sin²θ, ये क्या हो जाता है cos²θ, ठीक है ना। हमारी आइडेंटिटी से देखिए sin²θ + cos²θ = 1, ठीक है, sin²θ + cos²θ = 1। तो अगर sin²θ को राइट साइड भेज दूँ तो 1 − sin²θ cos²θ होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan θ, 1 − sin²θ को मैं लिख सकता हूँ cos²θ + sin²θ, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूँ तो देखो cos²θ − 1, तो cos²θ − 1 को अगर मैं लूँ, तो वैसे देखो यहाँ साइन सेम आना चाहिए, यहाँ पे 1 − sin²θ + sin²θ है, तो 1 − sin²θ cos²θ, हाँ ठीक है, cos²θ + sin²θ। अब देखो यहाँ पे एक गलती हो गई कि यहाँ पे प्लस साइन नहीं होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा, क्योंकि ये −2 sin²θ था, ठीक है ना, −2 मतलब −2 है, तो −2 कैसे आता है, −1 − 1 से आता है ना, ठीक है। तो या फिर आप कह सकते हो माइनस इसे ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो −1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों माइनस ही आएंगे ना, sin²θ − sin²θ ही आएगा, तो यहाँ पे cos²θ − sin²θ ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हो गई cos²θ, ये −sin²θ, ठीक है। क्योंकि अगर ये −sin²θ, ये +sin²θ, वो ये दोनों कैंसिल होके जीरो हो जाएंगे ना, −sin²θ − sin²θ ही −2 sin²θ होता है, ठीक है। तो cos²θ − sin²θ हो गया। डिनोमिनेटर में अगर बात करूँ cos²θ − 1, ठीक है, तो या तो हम cos²θ − 1 के लिए निकालें, या 1 की जगह sin²θ + cos²θ लिख दें तो भी हो जाएगा। तो अगर cos²θ − 1 आपको निकालना है, तो आप इससे निकाल सकते हो cos²θ − 1, तो इस 1 को लेफ्ट साइड भेज दो और ये sin²θ को राइट साइड भेज दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos²θ − 1 − sin²θ, तो cos²θ − 1 की वैल्यू क्या थी, −sin²θ, तो इसकी जगह लिख सकते हैं −sin²θ, तो हो जाएगा cos²θ − sin²θ, ओके। और ये मल्टीप्लीकेशन में, तो ये न्यूमेरिकल न्यूमरेटर और डिनोमेटर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपका फाइनल आंसर बचेगा
tan theta, which is equals to right hand side value. So this is also done. ये भी proof हो गया आपका. इसके बाद हम 8th question की तरफ बढ़ेंगे. तो ये हो जाएगा sin a plus cos a का whole, sorry, sin a plus cos a का whole square plus cos a plus sec a का होल स्क्वायर. ठीक है ना, इसको प्रूफ करना है. 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, तो हम एल एच एस की वैल्यू को लेकर के सॉल्व करना शुरू करेंगे. ठीक है, तो करना क्या, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है इस एल एच एस में. ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी दैट इज टू साइन ए कॉस ए के, और फिर इसमें होल स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक. ओके, अब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपको वैल्यूज मिलती जाएगी. तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर साइन ए कॉस ए के है, ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन कॉस ए के, मतलब ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए के, और ये कॉस ए के कैंसिल हो जाएगा तो टू बचेगा. ऐसे ही टू कॉस ए सेक ए में, ठीक है, टू कॉस ए और सेक ए में भी सेम चीज है, दैट इज टू इंटू कॉस ए सेक ए. आपको पता है कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन सेक ए, तो इस कॉस ए की जगह अगर मैं लिख दूंगा वन अपॉन सेक ए, तो ये सेक से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, टू. ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन. ठीक है, इन दोनों को मिला करके लिख दिया वन, या फिर चाहो तो आप ऐसा लिख भी सकते हो इस में कि जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सिक्स स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए की जगह यहाँ पे वन अपॉन कॉस ए के लिख सकते हैं डायरेक्ट ए इंटू कॉस ए प्लस टू इंटू कॉस ए की जगह वन अपॉन सेक ए इंटू सेक ए. ठीक है, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा वन. ठीक है, प्लस ये कॉस ए के कैंसिल हुआ, बचा प्लस टू, और प्लस टू यहाँ से, और ये आ गया फाइनल कॉस एक स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर ए कॉस एक स्क्वायर ए प्लस सेक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसको ऐड कर दो कि आ जाएगा फाइव प्लस कॉस एक स्क्वायर ए प्लस सेक्स स्क्वायर. ठीक है, और आपको लाना क्या था, टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए और सेवन. ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, कॉस एक स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है वन प्लस टेन स्क्वायर. ठीक है, तो आइडेंटिटी यूज कर लो, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख दो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह लिख दो वन प्लस टेन स्क्वायर. तो ठीक है, तो ये वन और आ गया, तो फाइव प्लस सिक्स प्लस वन सेवन, तो अगर सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ गया आपका वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू योर आर एच एस वैल्यू, हेंस ये आपका आंसर आ गया. ओके, इसके बाद देखो एट के बाद नाइन्थ और टेंथ दो क्वेश्चन बचे हैं और समरी बची है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, बिकॉज काफ़ी लेंदी हो रहा है. ठीक है, और मुझे काफ़ी कम स्पीड में समझाना पड़ रहा है, जिससे हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए. तो अभी मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ, क्लास एंड कर देता हूँ, बिकॉज फिर काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे सर काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया और समझ में नहीं आ रहा अब. सो राइट नाउ आई विल एंड द क्लास. ओके, आप लोग यहाँ तक रिवाइज करिएगा, और ट्रिग्नोमेट्री को जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज करिए, बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट इज़ ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेगा शुरू में. ठीक है ना, कोई भी चीज़ पढ़ो डिफिकल्ट लगता है. आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें पूछ सकते हो, डाउट क्लास में पूछ सकते हो, या फिर ग्रुप में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो. राइट नाउ आई एम एंडिंग द क्लास, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर.